सरेंडर करने से पहले सीएम केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर पलटवार, एससी एसटी ओबीसी आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने के आरोप पर साधा निशाना। दिल्ली में बढ़ रहा जल संकट, आतिशी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को लिखा पत्र। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर भाजपा का प्रदर्शन, बांसुरी स्वराज ने कहा आम आदमी पार्टी ने ये बनावटी संकट बनाया है। मौसम विभाग ने सुनाई राहत भरी खबर, कल हीट वेव में थोड़ी कमी आने की संभावना। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया, इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के लोगों से भावुक अपील की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी, परसों मैं वापस तिहाड़ जेल जाऊंगा। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इस बात का मुझे फक्र है। उन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने, झुकाने और चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग सफल नहीं हुए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी, कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं, परसों मुझे सरेंडर करना है, परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया, इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज़ यानी शुगर का मरीज हूँ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि लोकसभा, विधानसभा, जिला पंचायत सभी में सीटें जनसंख्या में अनुपात के आधार पर तय होती हैं। हर राज्य वहां की जनसंख्या में अनुपात के आधार पर आरक्षण देता है, हमारा आरक्षण छीनकर इनको देने का सवाल कहां से आया? जो भी असेंबली और पार्लियामेंट सीट जिला पंचायत सभी में क्या है, रिजर्वेशन प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन है, उस प्रोपोर्शनेट देते हैं। और एमपी सीट, एमएलए सीट, जिला पंचायत अध्यक्ष, म्यूनसिपालिटी, वो भी प्रोपोर्शनली करते हैं। इनका छीनने का कहा गया अभी? अब जो स्टेट रहती है, स्टेट वाले वहाँ के जनसंख्या के आधार पर वो हर स्टेट रिजर्वेशन देता है, तो हमारा छीन के उनको देने का कहाँ से आया? दिल्ली वासियों को इन दिनों दो तरफा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ दिल्ली में भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है, जो लोगों के मौत की वजह बन रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में जल संकट भी देखने को मिल रहा है। वहीं अब दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली जल संकट के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को पत्र लिखा है। पत्र में आतिशी ने लिखा, मैं आपसे अनुरोध करने के लिए लिख रही हूँ कि आप सुनिश्चित करें कि दिल्ली के लिए पानी का कुछ प्रावधान किया जाए, चाहे वो हरियाणा से हो या उत्तर प्रदेश से या किसी अन्य राज्य से, जो पानी देने में सक्षम हो, ताकि दिल्ली के लोगों को परेशानी ना हो। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है और साथ ही लोगों को पानी की कमी से भी जूझना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली में पानी को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। भाजपा लगातार केजरीवाल सरकार को घेरने में लगी है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा कि झुलसती हुई गर्मी में दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राहीमाम कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह बनावटी संकट बनाया है। वो जल बोर्ड जो 2013 में 600 करोड़ के मुनाफे में और आज 73,000 करोड़ के घाटे में है, ये वो सरकार है जो हमेशा मुफ्त पानी का वचन देती थी और आज दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बनावटी क्राइसिस क्रिएट करा है। वो जल बोर्ड जो 600 करोड़ के मुनाफे में था 2013 में, आज 73,000 करोड़ के घाटे में है।
जवाबदेही बनती है केजरीवाल सरकार। ये वो सरकार है जो हमेशा वचन देती थी मुफ्त पानी की, आज दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही है। दिल्ली समेत पूरे देश में इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है, खासकर उत्तर भारत के राज्यों का हाल बुरा है। यहां तापमान 52 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों को बारिश का बेसब्री से इंतजार है। वहीं भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर सुनाई है। मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 24 घंटे में बिहार, झारखंड, ओडिशा में काफी लोग हताहत हुए हैं। हमें उम्मीद है कि कल से धीरे धीरे इस पूरे क्षेत्र से हीट वेव की स्थिति कम हो जाएगी। अधिकांश राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार और झारखंड, इन सभी राज्यों में आज हीट वेव के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल हीट वेव की स्थिति में थोड़ी कमी आने की संभावना है। लॉट ऑफ ह्यूमन कैजुअलिटीज इन बिहार, झारखंड, ओडिशा इन द लास्ट 24 आवर्स। What we expect is that gradually heat wave conditions will abate from this entire region from tomorrow, and today it will persist, but tomorrow onwards it will reduce. Based on this, most of these states, that means Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, this Uttarakhand, Rajasthan, Madhya Pradesh, and Odisha and Bihar and Jharkhand, all these states we have given orange alert for heat waves today. Tomorrow heat wave conditions are likely to reduce slightly, because of which most of these states will go to yellow alert, and Punjab and Haryana orange alert will continue along with. आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।